ये कहानियाँ उन लोगों की जिंदगी से जुड़ी हैं जो कभी आप ही की तरह थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने कार्यों से इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरों को प्रेरणा देने योग्य बन पाए। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो, चाहे आप एक प्रोग्राम है या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होता है जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनेयर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनेयर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 सफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता तो क्या होता। हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात कही है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसके ऐसा नहीं किया तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी गए हो तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है ना, फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है, इससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए।